हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का। कटनी में नर्स एसोसिएशन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी। आपको बता दें कि उनकी हड़ताल का लगातार दूसरा दिन है। बीडी शर्मा ने कहा कि नर्सों का योगदान अभूतपूर्ण है और कोरोना काल में उन्होंने जो सेवाएं दी हैं वो भुलाने लायक नहीं है। नर्सों की हड़ताल के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे नर्सों से मिलकर बात करेंगे और किसी तरह से नर्सों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कटनी की स्टाफ नर्सेस यहाँ पे एकत्रित हैं। हमने ये कभी नहीं चाहा था कि हमें इस तरह एकत्र होकर के कभी विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। कोरोना जैसी बड़ी विकट महामारी आई जिसमें सड़कें सुनसान हो गई थी, उस महामारी में हम अपने परिवार को छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, हम लोग भी वही इंसान है, उतनी शक्ति हमारी है, फिर भी हमने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और बिल्कुल बिना डरे बीमारी से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी। उस समय 28 तारीख के सामूहिक अवकाश को मिला के और कल से हमारे आज स्ट्राइक के 3रा दिन है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब उत्तर हमें नहीं दिया गया है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी या उन पे कोई विचार विमर्श हो रहा है कि नहीं। और नर्सेस एसोसिएशन एमपी के आज कुछ मेंबर्स जो हैं वो वहाँ भोपाल में मीटिंग चल रही है अभी, लेकिन अभी उसका कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है कि उसका क्या आंसर आ रहा है उनकी तरफ से। और उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टर्स जो अपनी जान पर खेल करके दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं तो इस पर हम उन सब लोगों को सम्मानित करना, उनको ताकत देना, उनके मान सम्मान के साथ खड़ा होना। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर्स डे पर उनका सम्मान करने का काम भी किया है। हमारी बहन नर्सें आज उनके साथ भी हम मिलेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे कि नर्सों के कारण से भी वो भी लगातार इस सेवा में लगी हैं और लगातार वो काम करती हैं। तो उनके प्रति भी भारतीय जनता पार्टी की जो भावनाएं हैं कि उनके साथ सम्मान करना उनका, तो आज हम नर्सों का भी आज यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उनके सम्मान का कार्यक्रम है।